पहले बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फूरियर सीरीज़ की इम्प्रूव्ड सीरीज शुरू करी थी, एंड नाउ आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फूरियर सीरीज़ के लिए सेकंड लेक्चर लेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग फूरियर सीरीज़ फाइंड करना शुरू करने वाले हैं कुछ कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। फूरियर सीरीज़ में हमें दो मेजर टॉपिक्स करने हैं, एक तो फूरियर सीरीज़ फॉर कंटिन्यूस फंक्शन एंड फूरियर सीरीज़ फॉर डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फूरियर सीरीज़ फॉर कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं, मतलब कि जिस इंटरवल में हमें फूरियर सीरीज़ बनाना है उस इंटरवल में फूरियर सीरीज़ या फंक्शन जो है बेसिकली वो कंटिन्यूस होगा। सो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं, लेकिन हम शुरुआत करें उससे पहले हमें एक चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है। ये रूल इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये फूरियर सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप a0, an और bn फाइंड करने वाले होंगे। सो इसे जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं या चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। सो व्हाट इज द चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, आइए जरा इसको समझते हैं हम लोग। तो चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन वास्तव में जो बायपार्ट रूल है उसका ही जनरलाइज्ड फॉर्म है। जैसे बायपार्ट में आपने क्या पढ़ रखा है बच्चों, बायपार्ट में आपने पढ़ रखा है कि अगर आपके पास में ये दो फंक्शन है और आपको इनका इंटीग्रेशन करना है, सो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन पूरे का फिर से एक बार और इंटीग्रेशन। सो दिस इज द व्हाट बायपार्ट। लेकिन बायपार्ट कि अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब किसे फर्स्ट फंक्शन मानना है किसे सेकंड फंक्शन मानना है ये आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ रखा था। और उसमें से एक कंडीशन जो थी वो ये थी कि अगर आप फर्स्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन आपको दिया जाए जो x रेस टू द पावर n के फॉर्म में हो, एक x रेस टू द पावर n के फॉर्म में, मतलब जिसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स ये जो आगे डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो हो जाए, अगर वो पहला फंक्शन है और जो दूसरा फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन फंक्शन कॉस फंक्शन राइट, इनमें से कोई फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव जीरो नहीं होते हैं, तो उस केस में आप चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन या जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब इस रूल को अप्लाई कैसे करेंगे आप इसको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि इस तरह के जो फंक्शंस हैं आपको फूरियर सीरीज में बनेंगे जिसमें सेकंड फंक्शन ये होगा, साइन और कॉस तो मिलने ही वाले हैं आपको जब आप an और bn निकालने वाले हैं, और पहला फंक्शन अगर x की पावर n के फॉर्म में हुआ तो आपको इस चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन या जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा। अदरवाइज इंटीग्रेशन बहुत लेंथी हो सकता है अगर हम बाय पार्ट से करें तो। सो पहले इस रूल को समझ लेते हैं कि ये क्या रूल होता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि यू डैश एंड डबल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस ट्रिपल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड फोर्थ टाइम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड प्लस सो ऑन डैश डैश। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये जो पहला फंक्शन है जो कि x की पावर n के फॉर्म में था इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स जीरो ना हो जाए, मतलब ये जीरो ना हो जाए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर हुआ एक्स क्यूब हुआ तो आगे जाके इसके डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं पे जाके शून्य हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं जाकर रुक जानी है। ठीक, तो ये आपको काम आएगी प्रोसेस, याद रखिएगा। इसमें होता यह है कि पहला प्लस दूसरा माइनस फिर तीसरा प्लस चौथा माइनस पांचवा प्लस छठा माइनस अल्टरनेटिव चलते हैं, यानी कि जो इवन टर्म्स हैं वो माइनस साइन के साथ में आएंगी और जो ऑड टर्म्स हैं सीक्वेंस में वो प्लस साइन के साथ में आएंगी। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको एक्स स्क्वायर दे दिया जाए और यहां पर आपको साइन 2x दे दिया जाए और आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़े, तो कैसे करेंगे इसको, आप लेंगे फर्स्ट फंक्शन इसे और सेकंड फंक्शन इसे। सो व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 नाउ माइनस
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा 2x और सेकंड का डबल इंटीग्रेशन। तो सेकंड को यानी कि साइन 2x को दो बार इंटीग्रेट करने से अच्छा है कि ये जो आपने एक बार इंटीग्रेशन किया है इसी को आप एज इट इज यहां पर इंटीग्रेट कर दें। लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस साइन छोड़िएगा मत, माइनस साइन को यहां यूज करिएगा एज इट इज, मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यूज करिएगा। तो माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज माइनस साइन 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, आप ऐसे लिख देंगे। फिर प्लस लगाएंगे, 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, इसका एक बार और यानी कि सेकंड का तीसरी बार इंटीग्रेशन। सो दिस इज प्लस कॉस 2x अपॉन 2 रेस टू द पावर 3। अब 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तो इसके बाद के सारे टर्म्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। तो ये जो चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन की प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाएगी। ठीक, सिमिलरली आप कई तरह के फंक्शंस के साथ में इस जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको दे दिया जाए, मान लीजिए कि x माइनस एक्स स्क्वायर आपको दे दिया जाए और यहाँ पर लिख दिया जाए cos nx dx। तो ये सारे जो टर्म्स हैं इस तरह के या इस तरह के जो इंटीग्रल्स हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स, ये आप लोगों को मिलने वाले हैं कहाँ पर, फोरियर सीरीज में an और bn निकालते समय। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे हम लोग चेन रूल ऑफ या जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन को इस तरह के क्वेश्चंस पे अप्लाई करने वाले हैं। सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद में शुरू करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज बनाना, आइए देखते हैं। नाउ बच्चों, अब हम लोग लेते हैं दो क्वेश्चंस कंटिन्यूअस फंक्शन के केस में। पहला क्वेश्चन है e टू द पावर x और हमें इसके लिए फोरियर सीरीज फाइंड करनी है 0 से 2 पाई इंटरवल में। ठीक, और इसी तरह से जो दूसरा फंक्शन है वो x माइनस एक्स स्क्वायर है और इसके लिए हमें फोरियर सीरीज फाइंड करनी है x इज इक्वल्स टू माइनस पाई से x इज इक्वल्स टू प्लस पाई तक। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि फोरियर सीरीज के लिए आपने इन दोनों ही लिमिट्स के लिए फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो वो फॉर्मूला आप डायरेक्ट यहां पर यूज कर लीजिएगा। मतलब जनरल फॉर्मूला ले लें चाहे आप यूलर्स फॉर्मूला ले लें, उसमें लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 पाई और लोअर लिमिट माइनस पाई और अपर लिमिट प्लस पाई के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा ये पहले से आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, या आप खुद अजम कर लें और उसको फॉर्मूले को यहां पर डायरेक्ट लिखें, ना कि पहले आप जनरल फॉर्मूला लिखें फिर उसमें अपर और लोअर लिमिट बदल के फिर से फॉर्मूला लिखें, अदरवाइज आपका टाइम बहुत चला जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे क्या, जब आप इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे आप लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। नाउ फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इन 0 टू 2 पाई, 0 से 2 पाई में जो फोरियर सीरीज होगी एफ एक्स के लिए वो क्या होगी पहले वो लिख दीजिए। तो जो फॉर्मूला है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। राइट, ये तो होता है फॉर्मूला, दिस इज वन वेयर ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ एक्स डीएक्स। राइट, ए एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डीएक्स, और जो बी एन है वो होता है बच्चों 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डीएक्स। ठीक, तो ये हमारे पास में क्या आ गया है, ये तीनों फॉर्मूले हैं इस पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज के लिए। नाउ अब इसमें बारी बारी से आप एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करिए और इंटीग्रेशन शुरू कर दीजिए। तो आप जरा ध्यान से देखें, तो जब आप ए नॉट के लिए जाएंगे तो ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स की वैल्यू है ई टू द पावर एक्स और ये डी एक्स। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि यही होता है यानी ई टू द पावर एक्स, और लिमिट आपके पास आ जाएगी 0 टू
टू पाई. नाउ दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाई एज इट इज. जब अपर लिमिट आप रखेंगे टू पाई तो इट इज ई टू द पावर टू पाई, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ई टू द पावर जीरो जो कि वन हो जाएगा. तो आपके पास में जो ए नॉट की वैल्यू है, ए जीरो की वैल्यू है, वो वन अपॉन पाई ई टू द पावर टू पाई माइनस वन के इक्वल आएगी. नाउ अब इसके बाद में आते हैं ए एन के ऊपर. सो ए एन इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाई जीरो टू टू पाई ई टू द पावर एक्स एफ एक्स की जगह पर, और ये रहा आपका कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू. नाउ यहां पर अब वैल्यू सब्सिट्यूट करने से पहले या इस इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने से पहले अब आपको इसके लिए जो फॉर्मूला आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ रखा है वो याद होना चाहिए. आपको याद होगा कि आपने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन में यहां पर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स. ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली. और इसी तरह अगर यहां पर साइन हो जाए तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है दिस इज ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स. ठीक, तो ये इसके लिए फॉर्मूलाज होते हैं. तो इन दो फॉर्मूलों की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पर्टिकुलर केस है ये पहले वाले फॉर्मूले में फिट हो रहा है. तो आप पहले वाले फॉर्मूले में ध्यान से देखिए कि कौन इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में ए का काम कर रहा है और कौन बी का काम कर रहा है. तो यहां पर है वन, वो काम कर रहा है ए का, और ये है एन, ये काम कर रहा है बी का. तो उस फॉर्मूले में जहां जहां पर ए है वहां पर वन, जहां पर बी है वहां पर एन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो आपको मिलेगा वन अपॉन पाई, वन अपॉन पाई को एज इट इज रहने दो, एंड ये ब्रैकेट e टू द पावर x अपॉन ए स्क्वायर यानी वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर ब्रैकेट a cos bx यानी कि वन इंटू cos nx एंड प्लस n sin nx राइट एंड लिमिट इज जीरो टू टू पाई. ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिमिट सब्सिट्यूट करना शुरू करते हैं बारी बारी से. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई को आप एज इट इज रहने दीजिए, और साथ में ये 1 स्क्वायर एन स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एन स्क्वायर को भी एज इट इज रहने दीजिए. अब लगाइए यहां पर ब्रैकेट. अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब आप पूरे में जहां जहां पर भी x है वहां वहां पर 2 पाई लिखेंगे तो आपको मिलेगा e टू द पावर 2 पाई. तो ये e टू द पावर 2 पाई, e टू द पावर 2 पाई. ठीक है, ये बढ़िया रहा. अब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा दीजिए. अब यहां पर आप x की जगह पर लिखेंगे cos, सॉरी 2 पाई, मतलब x की जगह 2 पाई, तो ये हो जाएगा cos 2n पाई. ये भी बढ़िया रहा. और जैसे यहां x की जगह पर लिखेंगे आप 2 पाई तो ये हो जाएगा sin 2n पाई, और sin 2n पाई की वैल्यू होती है 0, तो मैं यहां पर डायरेक्ट 0 लिख देता हूं. ठीक, एंड नाउ अब लगाते हैं हम लोग माइनस, और अब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो जैसे ही आप e की पावर x x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. जैसे ही आप x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, और x की जगह 0 लिखोगे sin 0, sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इज ओके, ये 1 अपॉन पाई इज ओके, 1 प्लस एन स्क्वायर इज ओके. अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये e टू द पावर 2 पाई, ठीक है, ये e टू द पावर 2 पाई आपको यहां पर यस पहले वाले में दिख रहा होगा, तो ये e टू द पावर 2 पाई ओके, और cos 2n पाई. तो cos 2n पाई की जो वैल्यू होती है अगर आपको याद हो तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos n पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 रेस्ट टू द पावर n. ठीक है, ये आप लोग अगर डी मायवर्थ थ्योरम आपने देखा हो तो वहां से आप इस रिजल्ट को आसानी से निकाल सकते हैं. तो cos n पाई इज इक्वल्स टू -1 रेस्ट टू द पावर n हो गया. एंड सिमिलरली अगर यहां पर आप cos 2n पाई लेंगे तो दिस इज -1 रेस्ट टू द पावर 2n एंड दिस इज इक्वल्स टू +1. Because -1 raised to the power 2 become +1 raised to the power n is 1. So, यहां पर इस cos
टू एन पाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1, तो दिस इज 1, एंड ये माइनस का 1, तो ये माइनस का 1. सो ये आपके पास में फाइनली किसकी वैल्यू आ गई है बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन. तो ये आपके पास में आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई है आपके पास में ए एन की वैल्यू. नाउ जिस तरह से आप लोगों ने ये किया है उसी तरह से आप बी एन के लिए आगे जाएंगे. सो बी एन इज इक्वल्स टू, बी एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई. यहां पर आ जाएगा e टू द पावर x, यहां पर आ जाएगा साइन nx और ये dx. और आपको दिख ही रहा है कि इसमें अब कौन सा वाला फॉर्मूला फिट होने वाला है. नाउ सेकेंड वन यहां पे यूज करिएगा आप, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन पाई इज ओके एंड ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट, तो इट्स 1 a की जगह 1, तो 1 इंटू साइन nx एंड माइनस b यानी कि n cos nx, ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट और लिमिट आ जाएगी 0 टू 2 पाई. अब आइए यहां पर बारी बारी से हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इज ओके, 1 प्लस n स्क्वायर इज ओके. अब जैसे ही आप यहां पर x की जगह पर 2 पाई लिखेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 पाई ब्रैकेट, यहां x की जगह पर 2 पाई लिखेंगे तो ये साइन 2n पाई और साइन 2n पाई की वैल्यू 0 माइनस, यहां पर आप x की जगह पर लिखेंगे 2 पाई तो ये हो जाएगा cos 2n पाई, 2 cos 2n पाई की वैल्यू प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का n इंटू 1, माइनस का n इंटू 1 ब्रैकेट क्लोज. अब फिर माइनस लगाइए लोअर लिमिट के लिए, अब अपर लिमिट आ जाएगी एक्स की जगह पर 0, तो ये आ गया बच्चों यहां पर 0 एंड नाउ ये 0 आ गया बच्चों. एंड अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0 आ गया है और ये सॉरी e की पावर 0 तो हो जाएगा 1, तो ये तो हो गया 1. और जैसे ही आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह 0, तो ये साइन 0 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो दिस इज 0 माइनस n इंटू 1, तो ये आपके पास में फाइनली वैल्यू आई है. और अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यू विल गेट, आप अगर ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज और फिर एक ब्रैकेट यहां पर आ जाएगा, आप चाहें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस प्लस एन को पहले लिख दीजिए, तो एन प्लस यहां पर आ जाएगा एन इंटू सॉरी माइनस आएगा यहां पे माइनस एन इंटू ई टू द पावर 2 पाई. और अगर आप चाहें तो एन कॉमन ले लीजिए, तो एन कॉमन लेने के बाद में आपके पास में ये जाएगा 1 माइनस e टू द पावर 2 पाई इंटू एन अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर. तो बच्चों आपके पास में इस तरह से ये ए एन की वैल्यू आई है, ठीक, ये आपके सामने लिखी हुई है. इट्स अ वन अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू e टू द पावर 2 पाई माइनस 1. और बी एन की वैल्यू आपके सामने आई है n अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस e टू द पावर 2 पाए. अब ये दोनों ही वैल्यू, कौन सी, तीन वैल्यूज हो गई, बल्कि a नॉट, a n और b n, इन तीनों वैल्यूज को उठाकर आप कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में a नॉट की जगह पर, a n की जगह पर और b n की जगह पर, तो आपके पास रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन e टू द पावर x इन द इंटरवल 0 टू 2 पाए आ जाएगा. ठीक, आइए जरा रखते हैं. Now, आप जैसे ही ये वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा हेंस बाय वन ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स की जगह पर आपने ई टू द पावर एक्स लिख दिया. a0 की वैल्यू आपके सामने दिख रही है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, a0 इज इक्वल्स टू आ जाएगा ई टू द पावर 2 पाई माइनस 1, तो दिस इज e टू द पावर 2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई और ये जो डिवाइड में 2 था इसको चाहे तो आप यहां पे लिख दीजिए, तो दिस इज दिस वन एंड प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ब्रैकेट ए एन की वैल्यू आपके सामने दिख रही है. सो ए एन इज इक्वल टू है कितना, ए एन इज इक्वल टू e टू द पावर 2 पाई माइनस 1 अपॉन में
अपॉन में पाई इंटू वन प्लस एन स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगाइए यहाँ पर, लिख दीजिए कॉस एन एक्स एंड प्लस बी एन की वैल्यू ये आपके सामने दिख रही है, इट इज एन इंटू वन माइनस ई टू द पावर टू पाई अपॉन में वन प्लस एन स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा साइन एन एक्स। ठीक, सो ये आपके पास में रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आ गई है बच्चों। और ये आप चाहें तो इस समेशन को ओपन करके स्टूडेंट्स यहां पर जहां जहां पर n है वहां पर एक बार 1, फिर एक बार 2, फिर एक बार 3, फिर एक बार 4 इस तरह से बना सकते हैं। तो आपके पास में एक जनरल फोरियर सीरीज आ जाएगी एक्सपेंडेड फॉर्म में, जिसमें समेशन साइन की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके आपको बता भी देता हूँ, जैसे ये एज इट इज़ रहेगा प्लस जैसे यहाँ पर आप n की जगह पर 1 लिखेंगे, तो देखिएगा n की जगह पर 1 लिखेंगे तो ये e टू द पावर 2 पाई माइनस 1 तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप चाहें तो कॉमन ले लीजिए, है ना। तो इट इज़ e टू द पावर 2 पाई माइनस 1, ये आपने कॉमन ले लिया, चाहो तो आप पाई को भी कॉमन ले लो। अच्छा, यहां पर भी पाई था, इस पाई को यहां पर लिख दीजिए, तो ये पाई यहां से कॉमन ले लीजिए, दोनों में पाई कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन ले लीजिए। और अगर आप 1 e टू द पावर 2 पाई माइनस 1 कॉमन ले रहे हैं, यहां पर 1 माइनस e टू द पावर 2 पाई है, तो इसको आप जब बाहर लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा एक तरह से। तो ये ब्रैकेट दोनों में से कॉमन ले लिया। अब बची है चीजें ये वाली, है ना, ये। अब इनमें क्योंकि n वेरी करेगा, तो जैसे ही आप यहां पर n की जगह पर 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका cos x, और n की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि यहां पे आ जाएगा 2, फिर यहां पर आप लिखेंगे cos 2x तो ये सॉरी x की n की जगह 2 तो ये बन जाएगा cos 2x, यहां पर n की जगह 2 लिखेंगे तो 4 और प्लस 1 5 एंड प्लस फिर आप 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 3x और यहां पर 9 और प्लस 1 ये हो जाएगा 10 एंड प्लस सो ऑन। तो ये तो बनेगी कोसाइन सीरीज, ठीक। और अब साइन सीरीज कैसे बनेगी बच्चों, साइन सीरीज बनेगी सेम यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा माइनस साइन, ये आपने ये जो कॉमन लिया है क्योंकि इनके और इसके साइन अलग थे तो यहां माइनस साइन लगा दीजिए, ये माइनस साइन आ गया, पाई आपने बाहर ले लिया। अब इस एन और इस एन और इस एन का ध्यान रखिएगा कि जब आप n की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन ये हो जाएगा कितना 2, सो दिस इज 1 अपॉन 2 और यहां पर आ जाएगा sin x एंड नाउ ये ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर प्लस, फिर आप n की जगह 2 लिखेंगे तो दिस इज 2 sin 2x अपॉन में आ जाएगा कितना 5, फिर प्लस दिस इज 3 अप इनटू sin 3x अपॉन 10 n प्लस सो ऑन, ये छोटा ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगा किसका, उस फोरियर सीरीज का जो आप इस e टू द पावर x के लिए बनाएंगे, किस में, 0 से 2 पाई इंटरवल में। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहां पर e टू द पावर माइनस x होगा, तो अगर e टू द पावर माइनस x होगा फंक्शन यही रहेगा, इंटरवल यही रहेगा, फंक्शन में बस e की पावर माइनस x हो जाएगा। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो यहां पर ये e टू द पावर माइनस x का ध्यान रखिएगा, है ना, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, केवल ये माइनस साइन आ जाएगा और उसके कारण ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। जब आप यहां पर an के लिए जाएंगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर भी, यहां पर तो प्लस ही रहने वाला है, यहां पे कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो उसके कारण क्या होने वाला है कि ये जो आपका an निकलेगा उसमें यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। जब आप bn निकालने के लिए जाएंगे तो bn के लिए यहां पर प्लस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये जो है थोड़ा माइनस प्लस यहां पे चेंज हो जाएंगे, मतलब जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसी क्वेश्चन की मदद से e टू द पावर माइनस एक्स फंक्शन के लिए भी फोरियर सीरीज बना सकते हैं। मेन होता है तरीका बच्चों, आप तरीका समझिए कि कैसे आपको काम करना है। जैसे आप तरीका समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए काम कर पाएंगे, राइट। सो इस क्वेश्चन के बाद में अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसके लिए हम फोरियर सीरीज बनाएंगे इंटरवल माइनस पाई से प्लस पाई में, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज बनाने के क्रम में दूसरा क्वेश्चन होगा। आइए जरा इसे देखते हैं।
नाउ स्टूडेंट, अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर, और सेकंड क्वेश्चन में हमें x माइनस एक्स स्क्वायर के लिए फूरियर सीरीज फाइंड करनी है, और इंटरवल है हमारा माइनस पाई से लेके प्लस पाई, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब इसके लिए भी क्योंकि आपको माइनस पाई से प्लस पाई में फूरियर सीरीज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा क्या द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इन माइनस पाई टू प्लस पाई। क्या होगी बच्चों, फोरियर सीरीज होगी एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय टू प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू वन टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर वन। एंड यहां पर जो ए नॉट की वैल्यू है वो होगी इट्स वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स, और अगर आप इसी को यहीं पे डायरेक्ट कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो दिस इज वन अपॉन पाई इज ओके एंड दिस इज माइनस पाई टू प्लस पाई, ये माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स की वैल्यू है आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। नाउ जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, तो इंटीग्रेशन के बाद में एक्स का इंटीग्रेशन तो आपके पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू ओके, और ये आपके पास में आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और ये ब्रैकेट और लिमिट आ जाएगी माइनस पाई टू प्लस पाई, और ये वन अपॉन पाई बाहर चली रहा है, सो दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाई। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे तो आपके पास में ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी वन अपॉन टू, ये ब्रैकेट इज ओके वन अपॉन टू पाई स्क्वायर माइनस, जब आप माइनस पाई लिखेंगे एक्स की जगह पर तो वो वापस पाई स्क्वायर हो जाना है, यानी कि ये तो जीरो हो गया। नाउ माइनस वन अपॉन थ्री, आप एक्स की जगह पर लिखेंगे पाई तो ये हो जाएगा पाई क्यूब और माइनस, और एक्स की जगह फिर माइनस पाई लिखेंगे तो ये प्लस पाई क्यूब हो जाएगा, है ना, तो आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ ये तो दोनों कैंसिल हो गए, जीरो हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो टू हो जाएगा। अच्छा यहां पर ओके ठीक है, ये टू हो जाएगा तो ये माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे तो इट्स टू पाई क्यूब अपॉन थ्री विथ नेगेटिव साइन और अपॉन में पाई, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू पाई क्यूब अपॉन थ्री। तो ये हमारे पास है बच्चों फाइनली किसकी वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है ए जीरो की। नाउ अब आगे बढ़ते हैं ए जीरो से और निकालते हैं ए एन, तो जो ए एन है दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई, और एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला है आपको याद होगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाई, आइए यहां पर पहले फॉर्मूला पूरा लिख देते हैं एफ एक्स के साथ में, एफ एक्स की वैल्यू है x माइनस एक्स स्क्वायर और ये cos nx dx। ठीक, अब बच्चों यहां पर हम लोग चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करने वाले हैं, यानी जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, एंड दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाई, ये ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इस पूरे को लीजिएगा और सेकंड फंक्शन cos nx को लीजिएगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन। नाउ माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो वन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन वन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, एंड साइन एन एक्स अपॉन एन का फिर एक बार और इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब वन माइनस टू एक्स का फिर से आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस इज प्लस, एंड 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस टू, ये 1 का 0 माइनस 2x का माइनस टू, ये ब्रैकेट क्लोज, और इसका एक बार और इंटीग्रेशन हो जाएगा तो दिस इज माइनस साइन nx अपॉन n क्यूब, और पूरे की लिमिट आ जाएगी बच्चों कितनी, पूरे की लिमिट आ जाएगी माइनस पाई से प्लस पाई। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया है। ठीक, हालांकि इसको करने का एक तरीका और था जो कि मैं आपको आने वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जिसमें आप इवन और ऑड की प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रेशन की, क्योंकि जब लिमिट माइनस पाई से प्लस पाई में होती है तो आप इवन और ऑड इवन और ऑड फंक्शन के कंसेप्ट से डेफिनेट इंटीग्रेशन को काफी छोटा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं करा है, हमने सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया है जनरल रूल से, और अब हम पूरे में अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। आइए जरा लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये तो हो गया आपका
वन अपॉन पाई ये बाहर चल रहा है एज इट इज, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही बच्चों आप यहां पर x की जगह पर अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, ये 1 अपॉन n को आप चाहो तो ठीक है, एक काम करते हैं पूरे में पहले अपर लिमिट और पूरे में फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां पर आप x की जगह पाई लिखोगे तो ये पाई माइनस पाई स्क्वायर, लेकिन जैसे ही आप यहां पर x की जगह पर पाई लिखोगे तो दिस इज साइन एन पाई और साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है। तो फिर यहां पर कुछ भी हो अल्टीमेटली ये पूरा टर्म जीरो हो जाना है, यानी अपर लिमिट पे ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ माइनस, फिर इसी में ही जब आप लोअर लिमिट लिखेंगे तो ये साइन माइनस एन पाई होगा और साइन माइनस एन पाई भी क्या हो जाएगा अल्टीमेटली जीरो। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे इस टर्म ने क्या दिया आपको, जीरो दिया। नाउ ये माइनस और ये माइनस को आप बना दीजिए प्लस, ये आपने प्लस बना दिया। जब आप एक्स की जगह पर लिखेंगे कितना पाई, तो आपको मिलेगा बच्चों दिस इज इक्वल्स टू वन माइनस टू पाई, ये ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक अपॉन में एन स्क्वायर। यहां पर आप एक्स की जगह लिखेंगे पाई तो ये बन जाएगा आपका कॉस एन पाई, तो दिस इज कॉस एन पाई, ठीक है। नाउ फिर माइनस लोअर लिमिट वाला, अब x की जगह पर लिख दीजिए आप कितना माइनस का पाई, तो ये बन जाएगा 1 माइनस प्लस 1 प्लस 2 पाई, और फिर cos की जगह माइनस, x की जगह माइनस पाई लिखेंगे तो cos माइनस एन पाई जो कि प्लस cos एन पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आपको पता है, बिकॉज cos माइनस थीटा इज cos थीटा। तो ये आपके पास में अल्टीमेटली ये वैल्यू हो जाएगी, एंड देन इसके बाद में फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वो साइन एन पाई है और साइन माइनस एन पाई बनेगा जो कि दोनों ही लिमिट्स पे जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आपके पास में वैल्यू आ जानी है। नाउ अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस पूरे में आपको कॉमन दिख रहा होगा कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, इसको आप कॉमन ले लीजिए। नाउ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास में जो ए एन की वैल्यू जो मुझे दिख रही है यहां पर वो आने वाली है माइनस माइनस फोर पाई, माइनस फोर पाई कॉस एन पाई एंड डिवाइड बाय एन स्क्वायर, ये आपके पास में फाइनली वैल्यू आएगी किसकी बच्चों, ए एन की, ठीक है। और आप क्योंकि जानते हैं कि कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप इसको चाहें तो माइनस फोर पाई अपॉन फोर पाई इंटू माइनस वन रेस टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में ए एन की वैल्यू आ गई है, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में ए एन इज इक्वल्स टू ये आ गया है। ध्यान दीजिएगा यहां पर हम लोगों ने जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करा है और फोरियर सीरीज सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें जो इंटीग्रेशन होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और यहीं सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना होती है। इसलिए जब आप इस तरह का कोई लेंथी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो बहुत ध्यान से आराम आराम से लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए, अपर और लोअर लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए, कब कहां पर माइनस रखने से प्लस हो जाएगा, कहां पे प्लस होगा, कहां माइनस रहेगा, कहां कहां माइनस माइनस होके प्लस हो गए हैं, इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखिएगा, वरना एक छोटी सी गलती आपका पूरा आंसर गड़बड़ कर देती है, ठीक है। नाउ अब बी एन के ऊपर आते हैं बच्चों, तो बी एन इज इक्वल्स टू इट्स अ वन अपॉन पाई, फॉर्मूला होगा माइनस पाई से प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन पाई, ठीक है, ये माइनस पाई से प्लस पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसमें भी चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए बच्चों, सो दिस इज वन अपॉन पाई, ये वन अपॉन पाई आ गया आपके पास में। अच्छा हमसे शायद यहाँ पे कुछ मिस हो गया है, ये जो पाई था इसका अंदर मल्टीप्लाई करना हम भूल गए हैं, तो जब आप इस पाई का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास में आएगा माइनस फोर इंटू माइनस वन रेस टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा, ये गलतियां
कभी कभी जल्दबाजी में हो सकती हैं। सो वापस आते हैं यहाँ पे, अब इसमें चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन फिर से लगाते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में x माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, नाउ माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस 2x आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद में ये और माइनस प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो दिस इज माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन क्यूब, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और पूरे की लिमिट आ जाएगी माइनस पाए से प्लस पाए। तो इस तरह से ये आपका एक इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप इसमें लिमिट सब्सटीट्यूट करना शुरू करिए, तो ये 1 अपॉन पाए को तो आप बाहर ही रखे रखिए, और अब लिमिट सब्सटीट्यूट करना शुरू करिए, तो ये माइनस को बाहर ले लीजिए, तो दिस इज माइनस पाए स्क्वायर और कॉस एन पाए अपॉन एन स्क्वायर, ये आपने अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करा तो आपके पास में आएगा। नाउ फिर लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, फिर यहां पर आ जाएगा माइनस पाए तो ये माइनस पाए, और यहां पे आप सब्सटीट्यूट कर देंगे कितना, यहां पे आप सब्सटीट्यूट करेंगे माइनस पाए तो ये आपका माइनस पाए स्क्वायर ही बना रहेगा, और ये आपका कॉस एन पाई ही रहेगा, और अपॉन में ये एन स्क्वायर एज इट इज आ जाना है, ठीक है। नाउ ये जो है आपका दिस वन, ये साइन एन एक्स के कारण अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये साइन जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे ही जीरो देगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। एंड नाउ अगेन दिस इज माइनस टू अपॉन एन क्यूब, अब इसमें आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करिएगा बच्चों, तो जब आप अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस एन पाए, और जब लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो भी आपको मिलेगा कॉस एन पाए, बिकॉज कॉस माइनस एन पाए इज इक्वल टू प्लस कॉस एन पाए हो जाएगा, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो अल्टीमेटली बच्चों आपके पास में जो वैल्यू आने वाली है, अगर आप ध्यान से देखें तो कॉस एन पाए अपॉन एन स्क्वायर ये तो कॉमन आ जाना है, तो आप इसको यहां पर लिख दीजिए कॉस एन पाए अपॉन एन स्क्वायर इंटू पाए, ये तो कॉमन आ गया बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस पाई है और ये प्लस पाई स्क्वायर है, तो ये प्लस पाई स्क्वायर और ये माइनस पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस पाई जुड़ के हो जाएगा माइनस का टू पाई, तो यहां पर आ जाना है आपका साथ में माइनस का टू पाई। अब ये माइनस और माइनस पाई और ये पाई कैंसिल हो जाना है, तो आपके पास अल्टीमेटली आएगा माइनस का टू माइनस वन रेस टू द पावर एन और अपॉन में एन स्क्वायर, राइट एन ही आएगा कि एन एन स्क्वायर आना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर साइन एन एक्स अपॉन एन आना चाहिए, तो ये एन, सो ये एन और ये एन, ये एन, ठीक है। सो यहाँ पर एन आएगा, सो दिस इज एन, पाई से पाई कैंसिल, तो माइनस टू इंटू माइनस वन रेस टू द पावर एन अपॉन एन, सो दिस इज योर बी एन, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गई है bn की वैल्यू बच्चों, तो ये an और ऊपर जो लिखा हुआ है वो bn, इन दोनों ही वैल्यूज को उठा के बच्चों आप कहां सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास में रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आ जाएगी। चलिए आइए इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। सो fx की जगह पर लिख दीजिए, यहां पर लिख दीजिएगा बाय 1, सो fx की जगह लिखिएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इज इक्वल्स टू a जीरो की जगह पर वो वैल्यू रख दीजिए, सो दिस इज माइनस 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज माइनस पाई क्यूब, पाई क्यूब यहाँ पर भी मुझे लगता है कुछ गलती हुई है बच्चों, तो यहाँ पर गलती ये जो हुई है मुझे लग रहा है कि इस पाई को शायद हम मिस कर गए हैं, तो ये पाई जब यहां पर आप लिखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 आना चाहिए, सो द वैल्यू ऑफ ए नॉट इज, और इस 2 से फिर वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 ये आपके पास में आ जाएगा, तो ये ए नॉट की वैल्यू प्लस समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट,
यहां पर आप ए एन की वैल्यू लिखेंगे तो दिस इज माइनस फोर माइनस वन रेस टू द पावर एन अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस बी एन की वैल्यू लिखेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू माइनस वन रेस टू द पावर एन अपॉन एन और ये साइन एन एक्स। ठीक, तो ये आपके पास में अल्टीमेटली वैल्यूज आ गई हैं बच्चों किसकी, फाइनली फोरियर सीरीज की। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज। और अगर आप इस समेशन को ओपन करके वैल्यू को थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज माइनस पाई स्क्वायर अपॉन थ्री और ये दोनों में से आप चाहें तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास में यहाँ माइनस आ जाएगा एंड अब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू वन टू थ्री सब्सिट्यूट करना शुरू करिए। तो जैसे ही आप पहली वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे n की जगह पर वन तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर इस फोर को कॉमन ले लीजिए, फोर ये फोर कॉमन ले लिया आपने। नाउ ब्रैकेट, जैसे ही वन लिखेंगे तो ये माइनस का वन और कॉस एक्स अपॉन वन स्क्वायर आ जाएगा, फिर टू लिखेंगे तो ये माइनस वन की पावर टू प्लस वन हो जाएगा तो दिस इज कॉस टू एक्स अपॉन टू स्क्वायर, फिर यहाँ पे कॉस थ्री एक्स अपॉन थ्री स्क्वायर एंड प्लस ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ से अगर आप माइनस टू को कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट के अंदर फिर आ जाएगा, एन की जगह वन लिखेंगे तो ये माइनस का साइन एक्स अपॉन वन और फिर प्लस साइन टू एक्स अपॉन टू और फिर माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री एंड प्लस सो ऑन। ये आपके पास में रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज आएगी इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बच्चों दिस इज द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई। अब यहां पर एक रिमार्क जो मैं आपको बताना चाहता हूं जिसकी जरूरत आपको किन्हीं किन्हीं क्वेश्चंस में पड़ सकती है। ठीक, रिमार्क क्या है कि कभी कभी ये जो फोरियर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं ना इनमें कभी कभी वो आपसे कुछ स्पेशल रिजल्ट पूछ सकता है, यानी कि वो कह देगा फोरियर सीरीज तो फाइंड करनी है और फिर आखिरी में लिख देगा ऑल्सो प्रूव दैट, मतलब एक एक्सप्रेशन लिखी होगी जो आपको प्रूफ करनी होगी। तो वो जो एक्सप्रेशंस होती हैं अक्सर ये जो फोरियर सीरीज आती है ये फोरियर सीरीज में एक्सी किसी खास वैल्यू के लिए वो एक्सप्रेशंस आपको मिलती हैं, वो रिजल्ट आपको मिलते हैं। जैसे अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो फोरियर सीरीज है इस फोरियर सीरीज में अगर आप एक्स की जगह पर जीरो लिख दें तो आपको एक स्पेशल रिलेशन मिलेगा। जैसे पूरे में आप एक्स की जगह पर जीरो लिखिए, पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो इंटू टू, अगर आप इसको पूरे को टू नाम दे दें तो टू में अगर जीरो लिख देंगे तो देखिए ये तो जीरो हो गया। ओके, अब ये आपका माइनस पाई स्क्वायर बाय थ्री, ये एज इट इज हो गया। नाउ माइनस का फोर, ये माइनस का फोर। ओके, अब जहां जहां पर x है वहां वहां पर जीरो, तो ये cos 01 cos 01 cos 01, तो ये आपको मिलेगा कितना, दिस इज द माइनस माइनस वन अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री स्क्वायर एंड प्लस वन अपॉन फोर स्क्वायर एंड माइनस सो ऑन। ठीक, और क्योंकि ये साइन टर्म से सारे तो ये सारे साइन जीरो, जीरो पर जीरो दे देंगे आपको तो ये तो खत्म, मतलब अल्टीमेटली ये आपके पास आ गया। अब इस माइनस को उठाकर आप इधर ले जाएं तो ये प्लस बन जाएगा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाना है आपके पास में पाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर फिर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये आपके पास में एक स्पेशल टाइप का रिजल्ट आ गया है जो कि आपको इस फोरियर सीरीज ने दिया है x इज इक्वल्स टू जीरो पर। तो आने वाले समय में जब हम और फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे तो आपको वहां पर भी कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे जिनमें आप x की स्पेशल वैल्यू डालकर उन रिजल्ट्स को लेकर आ पाएंगे। तो बच्चों आई होप कि ये जो आप लोगों ने आज का लेक्चर में दो क्वेश्चंस किए कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज बनाने वाले आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी अगर रह जाती है तो आप ईमेल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यूअस फंक्शंस को तो लेंगे ही लेंगे लेकिन साथ में उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस भी लेंगे जो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में इवन या ऑड होंगे। तो इवन और ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज कैसे फाइंड की जाती है ये हम आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए और अगर कोई
डाउट या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, लेटेस्ट वीडियो के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel.